हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से आके भाई बुकर मार लिया है मैंने, ठंड और क्या बहुत ज़्यादा, इसलिए बुकर मार लिया पाना। और अमरूद खा रहे हैं, बोला था कि लाल अमरूद है भैया, पर ये वाला तो लाल नहीं निकला, लेकिन जो मैंने वहाँ पे खा ट्राई करके देखा था वो तो लाल था। और अमरूद होते होंगे लाल। सो ब्लॉग बन रहा है मेरे इवनिंग का। और अभी अभी जस्ट मैंने वो देखा, ट्रेलर देखा है जर्सी मूवी, जो अपना शाहिद कपूर की आ रही है। सो उस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि कैसा है ट्रेलर, कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, मैं अपने रिव्यूज बताऊंगा कैसा लगा। ट्रेलर अच्छा है, लेकिन वही कबीर सिंह वाली लुक है, थोड़ी बहुत वैसे बुलेट चलाता है, वैसे मारता है, थोड़ा सा कबीर सिंह वाली फील है उसमें, ठीक है। और दिख मतलब इस ट्रेलर में मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें स्टोरी का पता नहीं चल रहा अभी तक कि क्या होने वाला है, कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाता है या वो खुद कोच बनता है, क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता स्टोरी के बारे में। लेकिन इतना पता चल रहा है कि वो पहले बहुत सेक्सी बैट्समैन था, उसके बाद कुछ हुआ होगा, वो भाग गया वहाँ से, क्रिकेट छोड़ दी उसने। मीनवाइल जब वो सेक्सी लौंडा था तो उसने लड़की बटा ली, ठीक है। वो लड़की उसका मैच देखने आती है, खुश होती है, सिक्स सिक्स सिक्स, ठीक है। सो उसने वो लड़की पटा ली, शादी कर ली, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि भाई शादी हो चुकी है उसकी, लेकिन वो भाई उसने क्रिकेट छोड़ दिया है, उसने सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका जो रीज़न है वो पता नहीं है। लेकिन ट्रेलर में सिर्फ मार धाड़ दिखाई है कि वो मैदान छोड़ के चला गया, उसका कोच ऐसे बोलता है कि एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली और तेरे जैसे बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा शाहिद, ठीक है। सो ये है। और उसकी अपनी अब फिलहाल उसकी स्ट्रगल चल रही होती है लाइफ में, कि फाइनेंशियल क्रंच होता है उसके घर पे, कि भाई वो कमा नहीं रहा होता, उसकी वाइफ कमा रही होती है, तो वो अपने बीवी के पैसे चुराता है, ठीक है, और चिल्लम चाड़ी करता है, ठीक है। सो कबीर सिंह वाली लुक करता है, इससे थोड़ी डेंस है उसकी, ठीक है। मेरी तो अभी थोड़ी सी यार फिक्की फिक्की है, उसकी थोड़ी डेंस लुक है, ठीक है। और यही सब करता है और लास्ट में दिखाता है कि भाई क्रिकेट या हम में से एक चूज़ कर लो, टिपिकल लड़कियों वाली बात कर देती है उसकी वाइफ की। जैसे बचपन में होता था ना कि जो नई नई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, निब्बा निब्बी लगा लो, तो बोलते हैं कि अपने दोस्तों को चूज़ करो या मुझे चूज़ करो, वैसा ही कुछ वो डायलॉग डिलीवरी करती है। सो इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है मुझे, लेकिन वही बता रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी चीज़ ये नहीं लगी कि उसमें थोड़ी कबीर सिंह वाली फील है, कुछ यूनिक नहीं है। और यूनिक इस ट्रेलर के बारे में ये है कि इसमें स्टोरी पता नहीं चल रही है बिल्कुल भी। और शाहिद कपूर भी, यार शाहिद कपूर का एक्सेंट इस मूवी में यार पता नहीं कैसा है, कि वैसा हरियाणवी जैसा है या पता नहीं कैसा ऐसे बोलता है मैंने। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो अपने पास्ट में जी रहा होता है कि भाई वो लाइक वो एज अ लूज़र जी रहा होता है कि भाई मैं लूज़र हूँ और मैंने अगर ये कुछ नहीं करा तो मेरा बेटा भी मुझे लूज़र समझ लेगा, ठीक है। उस तरीके का कुछ फील के साथ वो जी रहा होता है, तो काफ़ी अजीब तरीके से ऐसे करके बोलता है, ठीक है। सही है यार, सही है, शाहिद भाई है। थोड़ा सा यंग दिखाया गया उसको बीच में जब वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन यंग वाली लुक उस पर इतनी जच नहीं रही है, मतलब यंग लग नहीं रहा है मुझे बिल्कुल भी यंग वो, ठीक है। सो बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा, मुझे तो यार ऐसा ही लगा ट्रेलर, मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आई ऑब्वियसली, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। आप भी देखिएगा ट्रेलर और आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके। और वही अमरूद स्वाद यार बढ़िया अमरूद है, लाल नहीं निकला है लेकिन स्वाद अमरूद है। हमारे यहाँ में तो भाई अमरूद 50 रुपये किलो मिलते हैं, हमारे यहाँ में चंडीगढ़ में। वैसे मैं बोल देता हूँ चंडीगढ़, लेकिन मैं चंडीगढ़ में रहता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं चंडीगढ़ के पास एक जगह है वहाँ रहता हूँ, और वो जगह पंजाब में पड़ती है, लेकिन अमरूद स्वाद है कुछ कह लो। सो ये था ट्रेलर, ये थी ट्रेलर के रिगार्डिंग मेरी कुछ बातें। एंड मुक्तेश्वर के व्लॉग्स
आएंगे आएंगे आएंगे, काफ़ी सारे ब्लॉग, काफ़ी मटेरियल बना के लिया मैं मुक्तेश्वर से, ठीक है। काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। एक ब्लॉग अभी डाला था जस्ट, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण उसको डिलीट करके दोबारा से डालेंगे उसको। तब तक के लिए मेरा ये ब्लॉग देख लो, ये मेरा एज ए फिलर ब्लॉग बना लिया मैंने, ठीक है, कि कुछ नहीं है तो चलो ये देख लो। और स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग मुक्तेश्वर्स ब्लॉग। और एक और बात, दिसंबर में मनु का बर्थडे आने वाला है, सो बर्थडे सरप्राइज ब्लॉग्स के लिए भी रेडी हो जाओ गाइस, रेडी हो जाओ। और यार ये पता नहीं मुझे क्या हो गया, किसी को इसका कोई इलाज पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो भाई इसका इलाज, ये पता नहीं अजीब सा कुछ हो गया है। सो देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए गाइस। 2000 वॉचर्स हो गए हैं, मज़ा आ गया है, ठीक है। सब्सक्राइबर भी उतनी उतनी ही जल्दी से बढ़ाओ, सब्सक्राइब उतनी जल्दी से करो जितनी जल्दी से आप वॉचर्स बढ़ा रहे हो, काफ़ी मज़ा आ रहा है, फीलिंग गद 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 गद, ठीक है। सो ये था आज का ब्लॉग। जाते जाते डिस्क्रिप्शन में मेरा जो मैसेज है वो पढ़ लेना, ठीक है, और उसको अप्लाई करके देखना भाई, लाइफ में काफ़ी अच्छा मैसेज है, मैं भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप भी एक बेटर पर्सनालिटी बनने की कोशिश करो, दिन पर दिन आप अपग्रेड होते रहो एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, ठीक है, आप अपग्रेड होते रहो, मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब जीवन में ऐसा आनंद आ जाएगा जैसे मेरे को ये अमरूद खा के आ रहा है ये चीज़ करके। बाय। ये है भाई, जाते जाते ये मेरा हेल्दी डिनर भी देख जाओ। ये है भाई नमकीन दलिया, इसमें गाजर है, बीन्स हैं, दलिया है और मटर है और प्याज है, ये सब चीज़ें हैं, नमकीन दलिया है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बनाया आंटी ने, जस्ट अ सेकेंड मुझे बैठने दीजिए। अच्छा बनाया, लेकिन वही है कि अंडी थोड़ा नमक कम खाती है और मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ नमक, तो नमक थोड़ा डाल लेता हूँ, बाकी मस्त बनाया है। सो हेल्दी खाते रहिए, हेल्दी रहिए, अपने साथ वालों को भी हेल्दी रखें, अपने जितने भी आपके रिलेशनशिप है सबको हेल्दी रखिए और खुश रहें, सारी की सारी पॉजिटिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दीजिए मैं आपको देता हूँ, यही साइकिल चलती रहती है, ऐसे ही होता रहता है। पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी को कम करो और सब हेल्दी हेल्दी रहो। बाय बाय।